Hello everyone, welcome to the video series of C programming. So in this video lecture I am going to discuss some of the important term that is oftenly used in any programming language like C, C++ and Java. So right now, first of all, you will learn about what is compilation, what is compiler, what is linker, what is linking process, and what is the use of loader and loading process. So basically these are the terms. Basically you have to understand how you are going to execute your program in your system and what are the procedure, what are the steps that is used in the execution of any programming language or any program basically. So the first step is compilation. The first term is compilation. What is compilation? Basically, as you know, whatever you are writing, what is you are writing, the code in that is source code, you know, that is in the high level language, that is in high level language. And basically when you compile it, then the compiler generates a machine code, machine level language code, that is called machine code. And this process is called compilation. This process is called compilation. And the software that is used for this compilation purpose is called compiler. So basically ye compilation ka matlab tha bachcho. नेक्स्ट, और जैसे कि टर्बोसी में मैंने बताया था अल्ट प्लस एफ नाइन जो कि कम्बिनेशन होता है हम यूज करते हैं कंपाइलेशन के लिए. और बेसिकली जो कंपाइलेशन के बाद जो आपको सोर्स कोड या मशीन कोड मिलता है उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं. एक्चुअली ये कंप्लीट कोड नहीं होता है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइल मिसिंग होते हैं. जैसे हम कुछ लाइब्रेरी फाइल्स यूज करते हैं उसके भी फाइल कंबाइन करने होते हैं, तो ये जो है ऑब्जेक्ट कोड होता है और ये इनकम्प्लीट एक्सिक्यूटेबल फाइल होता है. ठीक है बच्चों. सो नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड, दैट इज मैंने कंपाइलर की बात की थी. मैंने कंपाइलर मैंने बताया आपको कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके हेल्प से हम कंपाइलेशन प्रोसेस करते हैं, यानी जिसके हेल्प से हम हाई लेवल लैंग्वेज को एज ए इनपुट लेते हैं एंड मशीन लेवल कोड या ऑब्जेक्ट कोड हम एज ए आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ये था बच्चों कंपाइलर. देन कम्स लिंकिंग प्रोसेस, मीन्स आफ्टर कंपाइलेशन जो आपको ऑब्जेक्ट कोड मिलता है बच्चों, बेसिकली वो क्या होता है, वो एक्सक्यूटेबल फाइल नहीं होता है, यानी उसको आप डायरेक्टली एक्सक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरी फाइल्स हमने प्रोग्राम में यूज किए थे, उनको भी लिंक करना हमें जरूरी होता है अपने उस ऑब्जेक्ट कोड से. उसके लिए हम यूज करते हैं लिंकर, और इस प्रोसेस को कहते हैं लिंकिंग प्रोसेस. सो लिंकिंग होता है क्या बच्चों बेसिकली, तो लिंकर की पहले बात करते हैं. लिंकर इज अ सॉफ्टवेयर विच टेक्स इनपुट एज ऑब्जेक्ट कोड फाइल एंड लाइब्रेरी फाइल्स कोडेड इन मशीन लेवल लैंग्वेज. जो लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं वो मशीन लेवल कोड में होते हैं, और ऑब्जेक्ट फाइल जो हमारे पास होते हैं उस दोनों को कंबाइन करके लिंक करके वो एक्सक्यूटेबल फाइल जनरेट करने में कौन हेल्प करता है बच्चों, लिंकर हेल्प करता है. सो इसका प्रोसेस यही है कि सोर्स कोड लिया जो ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलर के थ्रू जनरेट होता है उसको, और जो लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं उसके सो कंबाइन करके क्या जनरेट करता है बच्चों, एक्सक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है जिसको कि हम फाइनली रन कर सकते हैं. और इस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं लिंकिंग प्रोसेस. सो बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से, लिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग और अटैचिंग टुगेदर अदर प्रोग्राम फाइल्स एंड फंक्शंस दैट आर नीडेड बाय द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर. यानी लिंकर के हेल्प से जो हम ऑब्जेक्ट कोड को और जो है कुछ फंक्शंस रिक्वायर्ड फंक्शंस के कोड को दोनों को कंबाइन करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिंकिंग कहते हैं. और इस प्रोसेस में हमें क्या मिलता है, एक्सक्यूटेबल फाइल हमें मिलता है जिसको कि फाइनली हम रन कर सकते हैं. देन कम्स बच्चों लोडर. अब देखो आपने कंपाइल कर लिया कंपाइलर के हेल्प से और ऑब्जेक्ट कोड मिला, उस ऑब्जेक्ट कोड को आपने लिंक भी कर दिया लाइब्रेरी फाइल्स के को साथ लिंकर के हेल्प से, और अब आपके पास एक्सक्यूटेबल फाइल है बच्चों जिसे आप रन करना चाहते हो, है ना, प्रोसेसर पे. तो उसके लिए सबसे पहली बात, ये सारा जो टास्क होता है वो कहाँ होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है. अब उसे हमें सबसे पहले कहाँ ले जाने की जरूरत पड़ती है, रैम में. और उस प्रोसेस में जो हेल्प करता है वो हमारा लोडर है. तो लोडर इज अ सॉफ्टवेयर विच टेक्स एक्सक्यूटेबल फाइल फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी एंड प्लेस इट ऑन टू द प्राइमरी मेमोरी. और इसको यहाँ से सेकेंड हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी से लेके रैम में यानी प्राइमरी मेमोरी में लोड करने का जो काम करता है वो लोडर करता है. एंड देन ओनली हम उस प्रोग्राम को प्रोसेसर से एक्सक्यूट कर सकते हैं और आउटपुट हम गेट कर सकते हैं. सो बेसिकली ये कुछ चीजें हैं बच्चों जो मैंने बताया कि कंपाइलर,
लिंकर एंड लोडर में क्या डिफरेंस है और क्यों यूज करते हैं। तो बच्चों आपने समझा, छोटे छोटे टर्म्स के बारे में समझा जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, और इसी में नहीं बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो बेसिकली बच्चों आज के क्लास में हमने ये डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आप बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में समझो। तब तक के लिए धन्यवाद।